नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। हमने मावा से गुलाब जामुन बनाए हैं, मिल्क पाउडर से गुलाब जामुन बनाए हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। आज हम एकदम अलग ब्रेड के गुलाब जामुन बनाएंगे, जो स्वाद में उनसे अलग होंगे लेकिन आपको पसंद आएंगे। तो आइए ब्रेड के गुलाब जामुन बनाना शुरू करते हैं। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। हमने ये 1.5 कप चीनी ली है, 300 ग्राम चीनी है। चीनी को हम बर्तन में डाल देंगे और 1.5 कप पानी डालेंगे और पहले हम चाशनी को चीनी घुलने तक पकाएंगे, इसके बाद चेक करेंगे। जब तक हमारी चाशनी बनती है इधर, तब तक हम ब्रेड का डो लगाकर तैयार करेंगे। हमने ये 12 वाइट ब्रेड ले लिए हैं, तो ब्रेड को हम किनारे से काट देंगे, यानी जो डार्क किनारे हैं, सख्त किनारे, वो काट करके हटा देंगे। तो सारे ब्रेड हम इसी तरीके से किनारे काट कर तैयार करेंगे। हमने सारे ब्रेड काट करके तैयार कर लिए हैं और अब हम अपनी चाशनी चेक कर लेते हैं। चाशनी में चीनी पूरी तरीके से घुल गई है, हमें दिख रहा है। चेक करने के लिए हम 1-2 ड्रॉप चाशनी अलग प्याले में गिरा लेते हैं और थोड़ा ठंडा होने के बाद, और अब हम चाशनी को उंगली से थोड़ा सा चिपकाते हैं और इस तरीके से चिपका करके देखते हैं। अब देखिए, अब चाशनी में हल्का सा तार निकलने लगा है, तो हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। चीनी घुलने के बाद हमने चाशनी को 5 मिनट पका लिया है। गैस बंद कर देते हैं, चाशनी बनकर तैयार। हमने ये ब्रेड इनके किनारे काट कर रखे थे और अब हम इन ब्रेड को मिक्सर जार में डालकर क्रम्स बना लेंगे इनके। बहुत जल्दी, जरा सा मिक्सी चलती है और फटाफट ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं। तो ये हमने बना लिए, इन्हें प्याले में निकाल लेते हैं और सारी ब्रेड के इसी तरीके से क्रम्स बना लेते हैं। ब्रेड से हमने ब्रेड क्रम्स बना लिए और अब हम इसका डो लगाएंगे। तो पहले हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच हम घी डाल देते हैं इसमें। इसको मिला लेते हैं, घी को मिक्स कर लेते हैं और इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए नरम आटा गूंथ कर तैयार करेंगे। ये हमने 1 कप दूध ले लिया है, लेकिन हमने लिया था 2 कप दूध और 2 कप दूध को गाढ़ा करके हमने उसे 1 कप बना लिया। तो ये हमारा गाढ़ा किया हुआ 1 कप दूध है और थोड़ा थोड़ा हम दूध डालेंगे इस ब्रेड क्रम्स में और बिल्कुल नरम डो लगाकर तैयार करेंगे। हम दूध डाल करके इसको गूंथते जा रहे हैं, इसे हमें एकदम नरम और चिकना करना है। हमारा सारा दूध इसमें यूज़ हो गया है। हमने दूध को गाढ़ा किया क्योंकि हम इसको और अच्छा स्वाद देना चाहते हैं, और वैसे इसको दूध को बिना गाढ़ा किए हुए फुल क्रीम दूध ले लें और उसे ब्रेड को गूंथ कर तैयार कर लें। लेकिन अगर थोड़ा अच्छा स्वाद चाहिए तो दूध को गाढ़ा कर लें, बहुत अच्छा स्वाद आएगा। यह हमने ब्रेड का सॉफ्ट डो लगा लिया है, इसे हम 10 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। थोड़ा सा डो हमारा अच्छा सा फूल करके और नरम हो जाएगा और तब तक हम अपने ये काजू बादाम छोटे छोटे काट कर तैयार कर लेते हैं। हमने 7-8 काजू ले लिए हैं, 7-8 बादाम ले लिए हैं, इनको हम छोटा छोटा काट लेंगे। इसी तरीके से बादाम भी काटेंगे। तो सारे काजू बादाम हम काट लेते हैं।
ये हमने काजू बादाम काट लिए और हमने 1/4 छोटी चम्मच इलायची का पाउडर लिया है, ये भी हम इसी में मिक्स कर देते हैं और सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। हम इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच चाशनी डाल देते हैं ताकि ये आपस में सारी चीज़ें बाइंड हो जाएं। ये हमारी गुलाब जामुन के अंदर भरने के लिए फिलिंग तैयार हो गई। 10 मिनट हो गए हैं तो हम ये डो भी चेक कर लेते हैं, ये भी तैयार हो गया होगा। तो थोड़ा सा हम हाथ पर घी लगा लेते हैं और डो को थोड़ा सा और मसल लेते हैं। हमारा जो डो है वो बिल्कुल उसी तरीके से चिकना होना चाहिए जिस तरीके से हम मावा को मसल मसल करके चिकना करते हैं। हमारा डो तैयार है और अब हम इसे गुलाब जामुन बनाते हैं। तो थोड़ा सा डो हम निकाल लेते हैं, हम गुलाब जामुन थोड़े से बड़े थोड़े से छोटे जैसे आप चाहे बना सकते हैं। तो थोड़ा सा हमने आटा तोड़ा और इसको इस तरीके से प्याला सा बना लिया और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी स्टफिंग। तो 5-6 टुकड़े काजू और बादाम के डालेंगे और इसको बंद कर देंगे। देखिए बिल्कुल चारों ओर से स्टफिंग को बंद करेंगे हाथ से इस तरीके से। फिर से हम इसे पूरा दबा करके गोल गोल लड्डू जैसा बनाएंगे और इसके बाद हम दोनों हाथों से इसे गोल गोल घुमाते हुए चिकना करेंगे, गुलाब जामुन की शेप दे देंगे। इस तरीके से हम गुलाब जामुन बनाएंगे। तो सारे हमें गुलाब जामुन इस तरीके से बना कर तैयार करने। हमने ये गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लिए हैं। इन्हें तलने के लिए हम घी गरम करते हैं। चाशनी उठा करके हम जाली स्टैंड के ऊपर रख देते हैं और घी गरम होने देते हैं। तो घी हमारा गरम हो रहा है, जब तक ये थोड़े से गुलाब जामुन बच गए हैं बनाने के लिए, इन्हें भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। घी गरम हो गया है, गुलाब जामुन तलने के लिए घी हमें बहुत ज़्यादा गरम नहीं चाहिए, मीडियम गरम चाहिए। लेकिन एक बार घी को गरम कर लें फिर गैस धीमी करके घी को थोड़ा सा ठंडा होने दें। तो हम घी में अब गुलाब जामुन तलने के लिए डालते हैं। गैस मीडियम रखेंगे और गुलाब जामुन को चारों ओर अच्छा ब्राउन होने तक तलेंगे। गुलाब जामुन को बिल्कुल हल्के हाथ से हमें घुमा घुमा कर चारों ओर से अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। गुलाब जामुन चारों ओर से अच्छे गोल्डन ब्राउन सीख गए हैं, हम इन्हें निकाल लेते हैं। और सारे गुलाब जामुन इसी तरीके से तलकर तैयार करेंगे। और ये गुलाब जामुन हम चाशनी में डाल देते हैं। सारे गुलाब जामुन इसी तरीके से तलकर तैयार करेंगे। ये गुलाब जामुन हमारे अच्छे ब्राउन हो गए हैं, इन्हें भी निकाल लेते हैं। सारे गुलाब जामुन हमने तलकर तैयार कर लिए और हमने गुलाब जामुन को घी में तला है, इन्हें रिफाइंड में भी तल सकते हैं। और ये सारे गुलाब जामुन हम चाशनी में डुबा करके रख देते हैं। तो 1 घंटे के अंदर ये चाशनी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे, अच्छे से चाशनी में फूल कर मीठे होकर तैयार हो जाएंगे, तब हम इन्हें यूज़ करेंगे। हमने ये गुलाब जामुन शुगर सिरप में 2 घंटे तक डुबा करके रखे, ये अपने अंदर पूरी चाशनी एब्जॉर्ब करके फूल के खाने के लिए तैयार हो गए हैं। बहुत ही अच्छे गुलाब जामुन बने हैं और इन्हें बनाना भी बड़ा आसान है।
कि हमारे पास अगर मावा नहीं है या मिल्क पाउडर नहीं है तो ब्रेड से फटाफट गुलाब जामुन बना लें, बहुत अच्छे गुलाब जामुन बने हैं। स्वाद में अलग तो है उनसे, लेकिन बहुत अच्छे लगते हैं। हमने 12 ब्रेड से गुलाब जामुन बनाए, ये 24 गुलाब जामुन बनकर तैयार हुए हैं। साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, थोड़े छोटे बनाएंगे तो और ज़्यादा बन जाएंगे और बड़े बनाएंगे तो थोड़े से कम बनेंगे। और इन गुलाब जामुन को फ्रिज में रख करके 4-5 दिन तक खाया जा सकता है। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।